हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में यदि सप्लायर इक्लूज से आप टैक्स का यूज करना तो कैसे करेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स यानी कि अपने किसी एसेट्स को बेचना है तो उसकी एंट्री कैसे करें। देखिए, सबसे पहले दिया है सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी कि इसमें दिया है जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहिए जिसमें टैक्स पहले से क्या हो, इंक्लूड। अब सपोज करें कोई आइटम हम सेल कर रहे हैं और सेल करते समय ऐसा रेट भरना चाहते हैं जिसमें टैक्स उसमें पहले से जुड़ा, आपको अलग से टैक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर एनेबल करना होगा। और ये फीचर एनेबल करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो उसके लिए कह रहा है गेटवे ऑफ टैली वाउचर सेल्स कॉन्फिगर में जाना होगा, और उसमें आपको दिखाई देगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या करना होगा। और कह रहा है इस फीचर को एनेबल करने के बाद रेट चित्र के अनुसार कितने दिखाई देंगे, रेट दो, पहला किसका, एक रेट का और दूसरा दिखाई देगा रेट ऑफ इंक्लूसिव। इस बार रेट हम किसमें भरेंगे, इंक्लूसिव वाले कॉलम में भरना हो, जो ट्रांजेक्शन दे रहा है ये जाना 1 जुलाई 2020 यानी कि 1 जुलाई 2020 को सोल्ड 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। हम क्या कर रहे हैं, एक पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप सोल्ड कर रहे हैं टू किससे, कंप्यूटर केयर से, कह रहा आर्यस, जिसमें एक कैरेट कितना है 30,000, और कह रहा है इनवाइस नंबर B2B00। तो जब हम आएंगे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए तो सबसे पहले किसमें जाना होगा, ऐसे दिख रहा है इसमें, सही दिख रहा है ना, उसमें चलो देख लो, ऐसे ही नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा हमारे, नीचे आप लोग में टास्क पर दिख रहा है ना, हमारे में दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ? बात हाँ चलो ध्यान दे लो, ट्रांजेक्शन देखो इसमें क्या कह रहा है, हम क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप बेच रहे हैं किससे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आने के बाद से सबसे पहले हमको जाना हो किसमें, वाउचर, कैसे हम ट्रांजेक्शन करें जी, हमको दूसरे में देखना पड़ेगा क्या, बहुत अच्छे से दिख रहा है हमारे, जहाँ दिखना वही दिख नहीं रहा। चलो बताते हैं, ऐसे ही क्या सेल करें हम लोग, हमको जाना होगा या फिर से किस वाउचर में, सेल्स वाउचर में। और यहाँ जाने के बाद से देखिए कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, और इसका क्या दिया, B2B दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे B2B, और ये कहाँ कंप्यूटर केयर है ना, और कंप्यूटर केयर का हम लोग पहले बना जो पडरौना का रहने वाला, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल, इन उसका रेफरेंस नंबर दे रहा था ना B2B00, हो जाएगा ना। और जब इंटर यहाँ पे एक अप्रैली ले लेना होगा, डेट गलत हो रहा है क्या जी, सारा ट्रांजेक्शन कब किए थे, रुको देखिए, पहले डेट में इशू आ रहा है क्योंकि इसके पहले जो कंपनी बनाया गया ना, गायत्री कंप्यूटर्स वाला, इसमें वही डेट वाला इसमें समझ ले रहा है, पहले कंपनी मेन्यू में जाइए और अल्टर में, हम लोग का कंपनी यही है ना, तो कब से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का फाइनेंशियल ईयर। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो पहले ऑल्ट के साथ F2, और यहाँ करेंगे 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, हाँ 31 मार्च 2025, हो जाएगा ना। आप देखो कि अब सारा ट्रांजेक्शन दिख रहा है ना, अब स्किप से वापस और फिर चले गए वाउचर, हो जाएगा ना। हाँ अभी यहाँ पे B2B005 आ रहा, 4 नहीं आ रहा, एक एक्स्ट्रा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि पिछली क्लास में ट्रांजेक्शन आप लोग को एक्स्ट्रा करके बताए थे समझाने के लिए, सेव हो जाता है कि नहीं हो पाता प्रिंट वाले के।
वो एक ट्रांजेक्शन बढ़ जाए, आ रहा समझे ना। नहीं डिलीट करेंगे तो भी नंबर ऑटोमेटिक है ना, चेंज नहीं होगा कोई ना, हम यही रहने देते हैं। लेकिन नीचे लिख देते हैं B2B004। पार्टी नेम किससे सेल कर रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर केयर। अब देखिए इसका स्टेट हम ये कहाँ का रहने वाला है, तो लोकल हम लोग सेलेक्ट कर ही लिए हैं। अब आइटम नेम पूछ रहा है, तो हम लोग बेच रहे हैं क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस है हमारे पास? एक पीस कहाँ पे है? शॉप पे। कितना पीस बेचना है? तो रेट देखिए, अब हमको भरना होगा इसमें, रेट इंक्लूसिव वाले में भरना होगा, तो रेट अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 25,423 रुपए 73। हाँ समझे ना, याद रखिए टैक्स लगा करके 30,000 हुआ, और टैक्स अगर जो हटा दिया जाएगा तो 25,423 रुपए 73। अब नीचे जब आएंगे देखिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और राउंड ऑफ लगाकर अपने आप फिर 30,000 हुआ है, यानी कि जीएसटी जोड़ करके 30,000 हो रहा था ना। वही कह रहा है कि ऐसा एंट्री करना जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड है, तो आप उसके लिए फीचर को क्या करेंगे, यस, और कंट्रोल ए से, और फिर जब आगे आएंगे प्रिंट करना है, नहीं करना है तो स्किप से वापस आ। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है? अगला फीचर सेल्स ऑफ एसेट्स, कि अभी हम क्या करें, अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। इसको बेच रहे हैं एसेट्स को, और एसेट्स क्या पता है ना, एसेट्स किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ, ऐसी वस्तुएं जो बिजनेस को चलाने में काम आती है। बिजनेस का क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होगा वही क्या कहलाएगा, एसेट्स। और वही एसेट्स हमको क्या करना है, बेचना है। क्या करना है? बेचना है। जो देखिए कह रहा है, प्राय एसेट्स को सेल करने के लिए हम जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, और आप लोग को शुरू में टाइप्स ऑफ वाउचर में भी बताए थे कि जब क्या करना होता है, किसी एसेट्स को पर्स या सेल करना होता है तो जनरल वाउचर का यूज करते हैं। पढ़े हम लोग ना, तो वही कह रहा है कि प्राय जब आपको सेल करना हो तो किस वाउचर का यूज करेंगे, जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते। एक मोड हम लोग पढ़े थे एज वाउचर मोड, पढ़े है ना, तीन मोड पढ़े, अकाउंटिंग, आइटम इनवॉइस मोड और एज वाउचर। तो एज वाउचर मोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्स वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते। कह रहा लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। अगर जो कोई भी एसेट्स आप बेच रहे हैं उसमें क्या करना जरूरी होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होगा। अब ये डिप्रिसिएशन चार्ज क्या है, तो देखिए अगर जो कोई एसेट्स है और अगर जो हम उसको 30,000 में खरीदे होंगे, कितने में, 30,000 में खरीदे होंगे, तो सेल करने जाएंगे, एक साल यूज करने बाद 6 महीने यूज करने बाद उतना ही मिलेगा, कुछ डिस्काउंट होगा ना, कुछ कम करना होगा, हमारा क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन चार्ज कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। वही कह रहा है कि सेल करते समय आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना क्या होगा, जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। अगर जो आप ये रिकॉर्ड करेंगे डिप्रिसिएशन ना, तो उसी से क्या हो पाएगा, पता चलेगा कि आपने अपने बिजनेस में अगर जो एसेट्स को बेचते समय आपने कितना आपका प्रॉफिट हुआ, फिर कितना लॉस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्यूटर में दिखाया जा सकता है। जो ट्रांजेक्शन दे रहा है, एज ऑन 2nd April 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर ₹25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। हमने 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर सोल्ड किया, किससे, कंप्यूटर एम्पायर से, कितने रुपए से, 25,000। कितने रुपए से किए हैं, 25,000 से। और कह रहा है क्या, डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10%। ये का मतलब होगा पर एनम, यानी कि पर ईयर, पर ईयर आपको कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, 10%। और अगर आप बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स यू हैव कैलकुलेट रिटेन डाउन ऑफ डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। आप क्या करेंगे, जब भी एसेट्स आप बेच रहे होंगे ना, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर ईयर बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स। आप अपना फिक्स एसेट बेचने से पहले हो गया, हाँ अब चलेगा, मत घबराओ। चलिए इसके आगे क्या दे रहा है, कह रहा कैलकुलेट, यानी कि ये आपका क्या करेगा, वैल्यू निकालने में मदद करेगा। जो कह रहा है इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन
लॉस सेल्स ऑन फिक्स एसेट्स कि यही कैलकुलेट भी करेगा, सहायता करेगा क्या करने के लिए। तो बिजनेस में अगर हम एसेट्स बेच रहे हैं ना, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये ज्ञात करने के लिए। कौन ज्ञात कराएगा? डिप्रिसिएशन कराएगा। जो आ कर सॉल्यूशन के लिए आपको पहले लेजर क्रिएट करना होगा। कौन सा? पहले करा डिप्रिसिएशन, और उसका अंडरग्राउंड क्या रहेगा? पहला आपको लेजर बनाना होगा डिप्रिसिएशन के नाम से, और उसका अंडरग्राउंड क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। और अगला आपको बनाना है किस नाम से? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसका अंडरग्राउंड क्या रहेगा? प्रोविजन। अब ये प्रोविजन क्या है? डिप्रिसिएशन तो समझ आ रहा है ना, कि जो भी हम एसेट से सेल कर रहे हैं उसके कुछ वैल्यू हम डाउन कर रहे हैं। 30,000 का था, 1,000 रुपये छोड़ दी, चलिए 1,000 रुपये हमारा चार्ज कट गया, हम अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, हमने यूज कर लिया उसके लिए। अब वो कस्टमर कह रहा है, देखिए ये जो आप हमको वस्तु बेच रहे हैं, कंप्यूटर ही बेच रहे हैं, अब इसको बनवाने में भी मुझे खर्च लगेगा। आ समझे ना? तो आपने तो 10% उसका चार्ज काट लिया, मानते हो हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन चला गया, वो तो घटना ही घटना। लेकिन अगर जो ये वस्तु, अगर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो उसको बनवाने के लिए भी कुछ पैसा खर्च आएगा। आ रहा समझे ना? तो वो भी हमको क्या करना होगा? छोड़ना होगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रोविजन कहलाएगा। जो कह रहा है एसेट्स वेयर परचेज इन मई, एसेट्स को हम कब खरीदे थे? मई 2020 में खरीदे, एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020। और कब बेच रहे हैं? नवंबर में बेच रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ। कितने मंथ बाद? कह रहा सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट। तो हमको क्या करना होगा? अगर जो 1 साल का 10% है, हमको 6 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालना होगा ना। उसके लिए देखिए निकाला है कितना डिप्रिसिएशन, पहले कितना क्या 30,000 का निकाला है 10%। 30,000 कितना निकाला है? चलिए पहले समझा देते हैं कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले हम निकले यहाँ पे 30,000, सबसे पहले कितना हो गया? 30,000। अब इसमें हम क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए कितना परसेंट, और डिवाइड कर दिए कितना से? 100 से। यही होगा ना? तो इससे ये कट जाएगा और इस वाले से ये कट जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? बस 3,000। यानी कि 30,000 का 10% कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 3,000। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना से मल्टीप्लाई किया है? 6 से, और डिवाइड किया कितना से? 12 से। ऐसा क्यों किया? हाँ समझ लीजिए, क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये कितने का है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ ऊपर कर देंगे कितना 3,000 हो जाएगा ना। हाँ हटा रहे मतलब 3,000 हो गया, मल्टीप्लाई कर दे कितना से? 6 से, और डिवाइड कर दें कितना से? ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो अभी बेच रहे हैं वो कितने मंथ में बेच रहे हैं? 6 मंथ में। और जो 10% निकाला गया कितने मंथ पे था? 12 मंथ पे। तो 6 से 12 को काटें कितना बार में? 2। और 2 से हम 3 को काटें कितना बार में? तो कितना बच जाएगा लास्ट वैल्यू उसका? वही आया 1500 यहाँ पे। तो कैसे कैलकुलेट वाला समझा रहा है, हो जाएगा ना? तो समझ लीजिए, अगर जो हम 1 साल का निकालेंगे तो 3,000 चला जाएगा, लेकिन हम कितने मंथ में बेच रहे हैं? 6 मंथ में बेच रहे हैं ना, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब करना क्या है, नीचे आएंगे, पहले तो हमको लेजर बना लेना होगा। कौन सा? डिप्रिसिएशन का। चलिए पहले लेजर बना लेते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन क्रिएट, उसके बाद से नाम टाइप किए, और अंडरग्राउंड क्या रहेगा? क्योंकि अगर 30,000 का खरीदे और 25,000 बेच रहे, पैसा एक्सपेंसिव हो रहा है ना। कंट्रोल ए से। अगला किस नाम से बनाना है? तुमको नहीं रहा है क्या? गर्मी तो सबको हो रहा है, थोड़ा लाइट आगे ऐसे चल रहा, 2 मिनट में भी सही हो जाएगा, 5 मिनट लगे। हमारे पास आ रहा है, और उधर चले जाओ, हवा लगेगी। ऐसा बोला कि आप बंदे हो। हेलो, ये क्या, जब लाइट आया था तो ये सही हो गया था है ना? लाइट आया था, हमारा कंप्यूटर सही हो गया था, लाइट भागी कंप्यूटर फिर वैसे हो गया।
चलो ध्यान दो इधर, एक लेजर बना लिया किस नाम से? प्रोविजन नाम से। अब अगला बनाने किस नाम से? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन क्या और प्रोविजन क्या, ये कुछ समझ आ रहा है? समझा दे रहा, पुनः एक बार और समझ लीजिए। जो डिप्रिसिएशन है, अगर जो हम 30,000 में खरीदे थे तो बेच रहे हैं 6 महीने में, इसमें 1500 रुपया हमारा माइनस हो जा रहा है, तो ये 1500 हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन। क्या है? डिप्रिसिएशन। या डिप्रिसिएशन को हटा हम ये कह सकते हैं हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कि बेचने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा क्या लग रहा है? डिप्रिसिएशन। तो ये लग गया कितना? 1500 रुपए प्लस बाकी हम इसी में डिप्रिसिएशन लगा देंगे, कितना परसेंट? 30,000 में बेच रहे हैं और ये चला गया कितना? 1500। और कितना अमाउंट मिल रहा है? 2500 हम लोग बेच रहे हैं ना, 25,000 में। और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वही हमारा किसमें आ जाएगा? कितना अमाउंट बच रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? समझो ध्यान से, कितने का कंप्यूटर खरीदे थे हम लोग? 30,000 में। हम लोग परचेज ऑफ एसेट्स में एंट्री किए थे, कंप्यूटर परचेज 30,000, याद है? और वही कंप्यूटर हम बेच रहे हैं, कस्टमर से कितना पैसा ले रहे हैं? 25,000 ले रहे। बाकी का हम कितना छोड़ रहे हैं उसको? 5,000। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमारा लग जा रहा है कितने रुपए? 1500 रुपए। हम ये तो छोड़ दिए 1500 रुपए, चलिए पर एनम 10% हटाया जाता है। हम आपको क्या कर रहे हैं, 6 मंथ में ही गए तो उसका आधा माइनस कर दिए 1500 रुपए। आ रहा समझे ना? तो वो कस्टमर कह रहा है, देखिए अगर हम आपसे कंप्यूटर खरीद रहे हैं 25,000 में, इसको बनवाने में भी कुछ खर्च आएगा, तो ये आपको खर्च छोड़ना पड़ेगा। आ रहा समझे ना? तो वो हम सह लिए कि नहीं, हमारा चलिए लॉस चला जा रहा है, तो मान ली हमारा अमाउंट वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। वो क्या हो रहा है? लॉस तो जा रहा है कितने रुपए? 5,000 पूरा लॉस जा रहा है। लेकिन हम दो मेथड से दिखाएं, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके दिखाना है 1500 अलग और 3500। तो 1500 तो प्रोविजन में चला गया, 1500 किसमें चला गया? प्रोविजन में। और जो हमारा लॉस जा रहा है, तो लॉस हमारा भी चला जाएगा कितने रुपए? क्योंकि 25,000 वो और 1500 ये चला गया, 20 का अमाउंट कितना बच रहा है? अब ये एंट्री करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम आ गए किसमें? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा? प्रोविजन। कंट्रोल ए से एक और लेजर बनाना होगा, लॉस देखो दिया भी होगा, लॉस ऑन सेल्स एसेट्स। क्या दिया? लॉस ऑन सेल्स एसेट्स, को बेचते समय आपका लॉस कितना हुआ, तो उसके नाम से अब लेजर बनाएंगे, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट कर ली। अब चलिए जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा, वाउचर और सेल्स वाउचर में करना है ना, कंट्रोल एज, और बताएं किस मोड में करना होगा? एज वाउचर। रेफरेंस नंबर नहीं दिया तो बस 0 बन रहने दी। पहला कौन से अकाउंट पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है ना, तो डेबिट किस अकाउंट को करेंगे? कंप्यूटर तो बिजनेस से जा रहा है, एसेट्स और हम लोग पढ़े, जब कोई धन वस्तु बिजनेस से जाता है तो क्या होगा? क्रेडिट होता है। लेकिन कंप्यूटर केयर सिस्टम को हम कंप्यूटर बेच रहे हैं ना, तो वो पाने वाला है कि देने वाला? पाने वाला। और पाने वाला क्या होता है? तो जो डेबिट अकाउंट करा पहले हम किसको रखेंगे? कंप्यूटर केयर, कंप्यूटर केयर एक एम्पायर है, देख लो लोग एक बार, कंप्यूटर एम्पायर है ना, हम सेलेक्ट किया कंप्यूटर केयर, कंप्यूटर एम्पायर सेलेक्ट कर। कितने रुपए का बेच रहे हैं इनसे? डिटेल सारा फिल है ना। अब इन ये हमको पैसा दे रहे हैं मात्र कितने रुपए? न्यू रेफरेंस। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है ना, लेकिन बैक स्पेस करके सेल्स वाउचर नहीं हम लोग है ना, पर सर तो यहाँ आना चाहिए, नहीं सेल्स वाउचर में भी होगा। हाँ अगर सेल्स वाउचर नहीं हो तो जनरल में भी कर सकते, हम पहले बताए हैं कि एज वाउचर मोड का भी यूज करके कर सकते, अगर जो नहीं हो रहा तो डायरेक्टली हम सेल से किसमें आ जाएंगे? जनरल में। और हम डेबिट कर दे किसको? कंप्यूटर एम्पायर को। और नीचे आएंगे तो हम इस अकाउंट को कर लेंगे क्या? डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लेना है। तो अब ये बताइए, ये भी हमारा लॉस ही तो हो रहा है ना,
एक्सपेंस हो रहा है ना, हम लोग पढ़े हैं इनकम और एक्सपेंस का खाता होता है नॉमिनल, और नॉमिनल का रूप क्या था, जब इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा, तो ये 1500 रुपये हमारा एक्सपेंस हो रहा था, तो हम क्या कर दिए, इसको भी डेबिट करेंगे, क्यों, 30 हजार में खरीदे थे और कितना में बेच रहे हैं, 25 हजार में, 1500 मान लिया हमारा एक्सपेंस चला गया, कब घटाना ही घटाना, लेकिन वो कह रहा है काम करिए 3500 आप छोड़ दीजिए मेंटेन करवाने के लिए, तो वो हमारा क्या हो रहा है, लॉस ऑन सेल्स कितने रुपए, 3500, और क्रेडिट अकेले हो जाएगा हमारा क्या, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का अमाउंट जीरो हो गया, सेव नहीं किए, स्केप से वापस आ गए, पहले चेक कर लेते आखिर हम कंप्यूटर परचेज किए थे कि नहीं, अकाउंट्स बुक लेजर और सले कर लेंगे क्या, परचेज किए थे एक एंटरप्राइज से कितने रुपए का, दिख रहा है ना, अब ये 30 हजार हम सेल करने गए थे, तो सबसे पहले हम किस में गए हैं, जनरल वाउचर में चले गए हैं, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भर लिए 01, जो डेट होगा हम डेट भर लेंगे, हो जाएगा ना, डेबिट किसको करना है, कंप्यूटर एम्पायर, न्यू रेफरेंस कितने रुपए से, 25 हजार वो हमको दे रहा है, बाकी फिर डेबिट हमारा चला गया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने रुपए, एक और हमारा लॉस चला गया कितने रुपए, 3500, तो पूरा मिलकर कितना हुआ है, और क्रेडिट अकेले हमारा हो जाएगा कंप्यूटर कितने रुपए से, 30 हजार होगा, अभी होगा इसके आगे, इतना समझा रहा है ना, आप देखिए हम इसको कंट्रोल ऐसे फिलहाल एक्सेप्ट करते हैं, तो हम कितना में खरीदे थे, 30 हजार में खरीदे थे ना, तो एक्सपेंस में कितना, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो एक्सपेंस हमारा 5 हजार दिखना चाहिए, एक्सपेंस ना कितना दिखना चाहिए, तो हम जब इसको एक्सेप्ट करके और यही पे आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस यही वाला है ना, ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कर दिए, देखिए ये तो 3500 हमारा लॉस दिख रहा है, लेकिन 1500 कहीं दिख रहा है लॉस, लॉस हमारा कितना हुआ है, 3500 हुआ है ना, सॉरी 5000 हुआ है, लेकिन 3500 दिखा रहा है, 1500 नहीं दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक और जनरल एंट्री करेंगे, एक और जनरल एंट्री क्यों करेंगे, ताकि हम यहाँ पे कर लेंगे डिप्रिसिएशन, और अमाउंट कितना आ जाएगा 1500, और ये अमाउंट कहाँ से आएगा, तो जो हम लोग लिए हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वहां से, क्योंकि पहले तो हम दिखा दिए कि हमारा सेल करते समय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लगे कितने रुपए, 1500, वो तो प्रोविजन में चला जा रहा है, एक्सपेंस में नहीं जा रहा है ना, तो वही हम प्रोविजन से ट्रांसफर कर दिए किसमें, डिप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिए, और फिर कंट्रोल ए से, अब आके एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लीजिए, ऑल्ट के साथ अब 1500 आ गया एक्सपेंस में, डिप्रिसिएशन दिखने लगा ना, इसीलिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, तभी तो हम 1500 यहाँ दिखा दिए, अगर जो एसेट्स बेच रहे थे तो डिप्रिसिएशन यानी कि पर ईयर कितना लगा, 10% है 10 पर ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयर में बेच रहे हैं तो 5% उसका लग गया 1500, और उस एसेट्स को सेल करते समय लॉस कितना चला गया, 3500, तो दोनों मिलाकर के लॉस कितना जोड़ा जाएगा हमारा, अब क्लियर हो रहा है सेल्स ऑफ एसेट्स वाला, हो जाएगा, देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने आपको ये बताया आप कंप्यूटर खरीदे कितना रुपए, चेक कर ले जाएंगे ना, और चेक करने के लिए हम कहाँ गए थे, इसलिए मोर रिपोर्ट, और उसके बाद से अकाउंट्स बुक, और उसके बाद से लेजर, और कंप्यूटर नाम से जो लेजर होगा हम उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर, अब देखिए एक अगर जो डेबिट हुआ था अगला क्रेडिट यानी कि आया था तो चला भी गया ना, क्लोजिंग बैलेंस में कितना बच रहा है, उस अमाउंट है, ओपनिंग था और क्लोजिंग था दोनों मिला करके बराबर हो गया है ना, क्योंकि हम एंट्री कर दिए, नहीं किए होते तो यहाँ पे दिखाई नहीं, यानी कि बिजनेस में डेबिट हुआ यानी कि आया लेकिन गया नहीं, लेकिन अभी चला भी गया है ना, तो अब देख लिए कितने का हम लोग खरीदे थे, 30 हजार का, लेकिन अगर जो सेल करने जा रहे हैं तो उस कस्टमर से हम कितना पैसा ले रहे हैं, 25 हजार, तो बाकी का 5 हजार कहाँ जा रहा है, ये जानना हमको ना, तो उसी में हम लगा दिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन,
कि एसेट्स को बेचते समय हमारा एक्सपेंस कितना चला जा रहा है, 1500 चला जा रहा है, और वो कस्टमर कह दे आप तो 1500 रुपए छोड़ दे पर एनम वाला, लेकिन आप क्या करिए कुछ पैसा और छोड़ दीजिए किसके लिए, उस एसेट्स को मेंटेन कराने के, तो उसके लिए हम कितना छोड़ दिए 35। तो वही हम दिखा दिए कि हमको सेल करते समय लॉस हुआ है कितने रुपए का, 3500 का, और डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हुआ कितना, कितने का, 1500 हो जाएगा। और वही जाकर के नोट्स में देखिए कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन 1500 रुपए और लॉस ऑन सेल्स एसेट्स 3500 रुपए दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। वैसे हमारे ट्रांजेक्शन में भी आइए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं ऑल्ट के साथ F1, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 1500 और ये 3500, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और फिर उसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, डेबिट नोट वाउचर। चलो एक काम करो फिर, आप लोग आज आप लोग जाइए ये ट्रांजेक्शन कर लिए सेल्स ऑफ एसेट्स वाला, और अगली क्लास आप लोग बता देंगे डेबिट नोट और फिर क्रेडिट नोट दोनों एक साथ, कौन कौन सा, डेबिट नोट और क्रेडिट, फिर लास्ट में बस जाएगा 3 ट्रांजेक्शन और, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बाद से सप्लायर इंक्लूसिव और सप्लायर एक्सक्लूसिव, सुन में ना, ये 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद से फिर नोट से हम लोग का खत्म, फिर DFA वालों का विदाई।